बद्दी में कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी राम कुमार ने अपने घर पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौधरी राम कुमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी ने भारत को एक नई राह दिखाई थी और वह उनके कदम चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे निवास स्थान हरिपुर सिंधौली में हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष उदयाराम जी, युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रज्वल गुप्ता जी, पीसीसी के सचिव भाई मदन चौधरी जी, सिटी कांग्रेस बद्दी के अध्यक्ष संजीव संजू जी, पूर्व पास्टर हमारे इंद्र राम जी, हमारे युवा कांग्रेस के कुलदीप जी, काला जी और अन्य हमारे युवा साथी जो हैं यहाँ पे हमारे जो स्वर्गीय नेतागण हैं, इनमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जिनकी आज पुण्यतिथि 36वीं पुण्यतिथि है, हमने इनको श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की। भारत के मार्शल और सबसे बोल्ड प्रधानमंत्री जिनको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा का रूप देके भारत की संसद में संबोधित किया, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिन्होंने भारत में राजाओं के चंगुल से जब भारत देश आजाद हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आज जिस भाजपा ने उस अन्नदाता को कुछ लोगों के हाथों में बेच दिया, ऐसा बिल लाके इन महान नेता ने भारत के अन्नदाता के लिए भारत के अन्नदाता के द्वारा उपजाई गई चीज़ों को जरूरी वस्तुओं एसेंशियल्स गुड्स में जो है वो शामिल कर इनको भंडारण पे रोक लगाई कि जो आदमी इनका भंडारण करेगा उसके ऊपर के मुकदमा चलाया जाएगा, उसको FIR होगी, उसको जो है वो जेल में दिया जाएगा, ताकि इनकी कीमतें जो है उनमें बढ़ोतरी ना हो, देश में महंगाई ना हो, गरीबी रेखा से नीचे वाले रहने वाले लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की, पेंशन योजना, महिलाओं महिला सशक्तिकरण जैसे अहम कदम जो है उन्होंने उठाए। उसके बाद उनके स्वर्गीय पुत्र प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने उसी राह पे चलते हुए पंचायती राज का गठन कर थ्री टायर सिस्टम को सशक्त किया। 1995 में पंचायती राज अधिनियम बना के जो है थ्री टायर सिस्टम लागू करके पंचायतों को सशक्त करके उनको शक्तिकरण करते हुए उनको शक्तियाँ दी। और इंदिरा नेहरू और इस गांधी परिवार का देश की तरक्की में, देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे दून ब्लॉक कांग्रेस जो है इंदिरा जी को शत-शत नमन करते हुए इनको आज हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरा हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, लौह पुरुष की संज्ञा इनको दी गई। हमारे पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथी रहे सरदार पटेल जी, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 145वीं इनकी जयंती है, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस के इतिहास में रहा है। आज हमने इन दोनों नेताओं को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की, तो मैं कांग्रेस जनों से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के इतिहास को जाने। कांग्रेस का इतिहास जो है बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, इन महान नेताओं की कुर्बानियों से भरा पड़ा है, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। हमारे आज के नेता जो है और कुछ हमारे युवा जो है इस राह पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल में अभी युवा कांग्रेस के चुनाव जो है हमारे पूर्व अध्यक्ष AICC के श्री राहुल गांधी जी के निर्देशों पे निर्वाचित हुए, तो भी कल ही उनका रिजल्ट आया। प्रज्वल गुप्ता जी को हम बधाई भी देते हैं कि ये दून क्षेत्र से हमारे प्रधान चुने गए हैं। अन्य जो हमारे साथी युवा के विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसी से और जिला में, और अमित ठाकुर जी चुने गए हैं, राज्य में भंडारी जी चुने गए, उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलीकॉप्टर बद्दी से सचिन बैंसल की रिपोर्ट।